सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आज इस वीडियो में हम यूरो पैनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप ये खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको इग्नोर करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको न्यूज अपडेट प्रोवाइड करता हूं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी किस फील्ड से रिलेटेड है। तो यहां पर कंपनी के कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। यहां पर आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। यूरो बॉन्ड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल एसीपी ग्लोबली, यानी कि ये जो कंपनी है एल्यूमिनियम के जो कंपोजिट पैनल है उसको बनाने का ये कंपनी काम करती है, और ये जो कंपनी बनाती ही नहीं बल्कि इनको जो ग्लोबली सप्लाई भी करती है, यानी कि वर्ल्ड वाइड ये सप्लाई करते हैं। एसीपी एज आर काइंड ऑफ पैनल्स विच आर वाइडली यूज्ड एज एन एक्सटीरियर कवरिंग ऑफ कॉमर्शियल बिल्डिंग्स एंड कॉर्पोरेटेड हाउसेस, यानी कि ये इस तरीके के पैनल होते हैं कि जो एक्सटीरियर जो जगह होती है और जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में या फिर कॉर्पोरेटेड हाउसेस में उनको कवर करने के लिए यूज होते हैं। यानी कि मेनली कहा जाए तो ये जो पैनल्स हैं उनको बनाने का कंपनी काम करती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल की, तो देखिए फाइनेंशियल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, टोटल एसेट्स वैल्यू, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यहां पर जो भी वैल्यू आपको दिखेगी वो मिलियंस में दिखेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 2019 में अगर देखें तो एसेट वैल्यू यहां पर 948 मिलियन के आसपास रही थी, वहीं 2020 में ये बढ़कर 1329 मिलियन हो गई। वहीं बात करें 2021 मार्च तक की तो ये 1452 मिलियन के आसपास हो गई। वहीं बात करें 2021 जून तक की, यानी ये मार्च से तीन महीने बाद तक, तो ये 1531 मिलियन के आसपास होती हुई नजर आई। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में रेवेन्यू 1086 मिलियन के आसपास था, वहीं 2020 में ये बढ़कर 1429 मिलियन हो गया, वहीं 2021 में 1433 मिलियन हो गया, यानी कि बहुत ही ज़रा सी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। वहीं 2021 में बात करें तो तीन महीने, मतलब 2021 के मार्च 2021 के बाद जो तीन महीने थे उनमें 319 मिलियन का इन्होंने रेवेन्यू किया, यानी तीन महीने के हिसाब से ठीक ठाक है। तो आप देखें यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर देखें थोड़ा सा फ्लैट ग्रोथ रही, और यहाँ पर भी देखें तो मुझे लगता है ये फ्लैट ही होगा, अगर इसको चार से गुणा करें तो ये फ्लैट ही आएगा। अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आप देखें 39 मिलियन के आसपास इनको प्रॉफिट 2019 में हुआ था, 2020 की बात करें तो ये 39.65 मिलियन के आसपास ही रहा, यानी कि बहुत ही ज़रा सा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला। वहीं अगर बात करें 2021 की तो प्रॉफिट में कमी आई और ये कमी होकर 37 मिलियन के आसपास हो गया, हालांकि जो कमी आई वो थोड़ा सा कम ही कमी आई, ज़्यादा कमी नहीं आई। वहीं आप बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 की, तो 2021 जून तक बात करें अगर तो 18.76 मिलियन के आसपास इनका जो है प्रॉफिट हो चुका है, यानी तीन महीने में ही 18 हो गया है, यानी कि यहाँ पर अगर हम चार का गुणा करें तो 72 मिलियन के आसपास होने की संभावना है। तो ग्रोथ ठीक ठाक है कंपनी में, यहाँ पर फ्लैट ही रही है, प्रॉफिट फ्लैट ही रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखें अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी करती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर बात करें आईपीओ डिटेल की, तो आईपीओ 14 दिसंबर से ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए, और 16 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। बात करें फिक्स इशू टाइप की, तो फिक्स प्राइस इशू है, 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर इसका फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड 70 रुपये का एक शेयर आपको मिलेगा, 2000 शेयर्स रहेंगे एक लॉट में, और मिनिमम आप 2000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। लिस्टिंग की बात करें तो एनएससी एसएमई में यह आईपीओ लिस्ट होगा, और इशू साइज की बात करें तो करीब 65 लाख शेयर्स आ रहे हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए,
जो कि फ्रेश इशू के जरिए ही पूरा का पूरा इशू आ रहा है, और आप देखें जिसकी वैल्यू 45.50 करोड़ के आसपास है। डिस्काउंट की बात करें तो एम्प्लॉय को 7 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए लॉट की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया मिनिमम 1 लॉट रिटेल कैटेगरी से अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें 2000 शेयर्स रहेंगे और 1,40,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। वहीं मैक्सिमम भी आप रिटेल कैटेगरी से एक ही लॉट कर पाएंगे, 2000 शेयर्स रहेंगे और 1,40,000 रुपये उसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे। अब देखिए बात आती है कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फाइनेंशियल ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी ग्रोथ करती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। इन फ्यूचर मुझे लगता है कंपनी ग्रोथ कर जाएगी, और इतनी छोटी भी कंपनी नहीं है कि इसको ऐसे ले लिया जाए कि कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी ठीक ठाक है, बिजनेस भी कंपनी का ठीक ठाक है। अब देखिए बात करें, ये जो आईपीओ है ये एसएमई आईपीओ में आया है, यानी कि आपको अगर मिनिमम इन्वेस्ट करना है 1,40,000 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि रिटेल कैटेगरी के जो निवेशक होते हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे निवेशक होंगे जिनके पास 1,40,000 रुपए ही होगा जो उनको इन्वेस्ट करना है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि बहुत सारे आईपीओज लाइन में हैं और मैं आपको वीडियो बनाए हैं, मैंने करीब 30 आईपीओज ऐसे हैं जिनको सेबी द्वारा अप्रूवल मिल चुका है, तो एक के बाद अभी 2 महीने में ये आईपीओज आने वाले हैं। ऐसे में आईपीओज का कोई भरोसा होता नहीं है कि इनमें लिस्टिंग गेन मिलेगा, कब ये बढ़ेंगे कब नहीं बढ़ेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो रिटेल निवेशक हैं उनको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहां पर कुछ उल्टा सीधा हो गया, ये थोड़ा नीचे लिस्ट हो गया, फ्लैट लिस्ट हो गया, आप यहां पर फंस गए तो आपका पूरा पैसा यहां पर फंस जाएगा और बाकी जितने भी आईपीओ हैं आप वहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बड़े निवेशक हैं जो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, रिटेल में ही हैं लेकिन करोड़ों में करते हैं, उनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, उनका खुद का कैपिटल बहुत बड़ा है मार्केट में, तो वो ऐसे शेयर्स ढूंढते रहते हैं कि भाई नए शेयर्स कुछ मिले हैं उसमें इन्वेस्ट किया जाए, कुछ नया मिले तो उसमें इन्वेस्ट किया जाए, तो वो लोग इसमें अप्लाई करने की सोच सकते हैं। लेकिन जो छोटे निवेशक हैं जिनका कैपिटल काफ़ी कम है और जो रिस्क लेना नहीं जानते हैं उनको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। वैसे ये आईपीओ जो कंपनी है वो ठीक ठाक, मतलब उतनी छोटी कंपनी भी नहीं है, तो जो बड़े निवेशक हैं वो इसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन छोटे निवेशकों को मेरा बिल्कुल भी सलाह नहीं है कि इस आईपीओ में अप्लाई करें। देखिए मैं हमेशा ही बोलता हूं कि आपको एसएमई आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ आईपीओ ऐसे होते हैं जैसे ईकेआई इंडस्ट्री का आप आईपीओ देखेंगे, ईकेआई एनर्जी का, वो काफी ज्यादा बढ़ गया तो लोग बोल रहे थे कि आपने बोला था कि मत खरीदो। अब देखिए एसएमई आईपीओ 100-200 आ चुके हैं, जिसमें से केवल 1-2 आईपीओ आपको याद होंगे कि जिन्होंने अच्छा गेन दिया, तो उस एक आईपीओ के लिए आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेरा मानना है कि अच्छे अच्छे आईपीओ आते हैं जिसमें 14-15 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है और डबल हो जाते हैं पैसे, तो वहां पर आपको रहना चाहिए। आप बड़ा रिस्क तभी लें जब आपके पास बड़ा कैपिटल हो, एटलीस्ट तब आपको रिस्क लेना चाहिए जब आपके पास उस आईपीओ में फ्लॉप होने के बाद आप मार्केट में रह सकें, तो मेरा ये मानना रहता है। बाकी अपनी अपनी सोच है, मेरा ये मानना है जो मैंने आपको बताया। अब अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर इसके बारे में सलाह लें, और आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।